हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। इस ठंडी में गर्मा गर्म सूप पीने का अपना ही मजा है, तो आज मैं टमाटर का सूप बनाने जा रही हूँ। आइए बना लेते हैं। मैंने एक टेबल स्पून बटर डाला, मैंने अमूल का बटर लिया है। टोमेटो सूप जो हम बनाते हैं ना, उसमें लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो हरा वाला लहसुन होता है ना, स्प्रिंग गार्लिक, वही लिया है। ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाला पार्ट लिया है। थोड़ा सा मैंने ये ग्रीन पार्ट भी लिया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सौते कर देती हूँ। थोड़ा सा अदरक ले लिया है, एक हरी मिर्ची ले लिया, इसको भी डाल देती हूँ। एक मैंने गाजर काट लिया, ये गाजर इसी में डालती हूँ। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मैंने 3 टमाटर ले लिया है, एकदम लाल वाला, जो एकदम लाल टमाटर होता है ना, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। तो ये 3 टमाटर रफली मैंने चॉप कर लिया, इसको डाल देती हूँ। जो धनिया पत्ती आती है ना, उसका ये डंठल ले लिया है मैंने। टमाटर सूप में इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैंने 8-10 दाने ब्लैक पेपर लिया, काली मिर्च लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो। और 2 छोटी वाली इलायची लिया, इसको भी इसमें डाल देती हूँ। अब इन सब चीज़ों को चला लेते हैं। टमाटर को जल्दी गलने के लिए मैं नमक डाल रही हूँ। आपको याद रखना पड़ेगा, जब हम सूप बनाएंगे ना, तो टेस्ट करके अगर नमक कम होगा तो मैं नमक और ऐड कर लूँगी। तो नमक डाल दिया, इससे टमाटर हमारा फटाफट गल जाएगा। तो एक बार मैं मिक्स कर देती हूँ और ऐसे कवर कर देती हूँ, टमाटर को गलने देती हूँ। आइए टमाटर एक बार चेक कर लेती हूँ। टमाटर हमारा अच्छे तरीके से देखिए गल रहा है। अगर ऐसे दबा दे रही हूँ ना, तो ये एकदम से हलवा जैसा हो जा रहा है। तो टमाटर हमारा गल चुका है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और एक कढ़ाई में ऐसे मैं इसको 5-7 मिनट ऐसे ठंडा होने देती हूँ। ये टमाटर हमारा ठंडा हो गया है, इसको मैं मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अभी इसका मैं फाइन सा पेस्ट ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको फाइन, बिल्कुल फाइन इसको ग्राइंड कर लिया है। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, स्टैंडर ले लिया है, इसी में मैं अपना जो ये सूप बना रही हूँ ना, इसको छान लेती हूँ। क्योंकि इसमें जो काली मिर्च और ये सब डला है, तो इसके जो भी मोटे मोटे दाने होंगे ना, वो छन्नी में रह जाएगा, बाकी सब नीचे छन जाएगा। तो ये देखिए, स्पैचुला से ऐसे चलाती रहूँगी ना, देखिए नीचे गिर रहा है ना, तो एकदम सॉफ्ट सा हमें वो मिल जाएगा। जार में जो लगा है ना, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भी छान लेती हूँ। और गाढ़ा पतला कितना कैसे बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हल्का सा पानी इसमें डाल के, जो इसमें मिक्सी जार में लगा था ना, उसको निकाल लिया है। टमाटर का जितना पेस्ट बनता है, उसी से आप बना सकते हो। क्योंकि मैं इसमें कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं सिर्फ टमाटर से ही बना रही हूँ। लहसुन का डंठल और धनिया का डंठल डाल दिया है, उसके वजह से सूप हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। इस तरीके से इसको निकाल दूंगी, तो इसमें जो मसाले डाले हैं ना, मसाले के सारे तत्व नीचे निकल जाएंगे। ऐसे दबा दबा के इसको निकाल लेना है। इसीलिए छानते हैं कि जो इसमें मैंने इलायची डाला, ब्लैक पेपर डाला, लहसुन और धनिया डाला है, तो उसके जो भी मोटे कण रह गए होंगे ना, वो इसमें आ जाएगा। और टमाटर का जो छिलका होता है, वो भी तो रहता है ना, तो वो सब इस छन्नी में छन जाएगा। ये हमारा टमाटर का जैसे प्यूरी होता है ना, उस तरीके से ये बनके तैयार हो गया है। गैस को जला दिया है, अब इसमें एक उबाल आने देती हूँ। और ये बहुत अच्छे तरीके से देखिए कितना गाढ़ा बनके तैयार हुआ है। तो आपको लहसुन और धनिया जो मैंने डाला है, अगर आपको नहीं डालना है, अवॉइड करना है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना, तो टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। तो बिना मन के ही लोग पियेंगे। और देखिए, इसमें कोई कलर नहीं डला है, कुछ नहीं, लेकिन कितना प्यारा कलर आया है। तो टमाटर सूप अगर बनाते हैं और कलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो रेड कलर वाला ही लेंगे, तो ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका। तो टमाटर सूप का कलर इतना प्यारा आया है, तो इसमें कलर डालने की क्या ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसे ही कलर चाहिए टमाटर सूप का, तो आपको भी रेड वाला ही टमाटर लेना होगा, तभी आपका टमाटर सूप का ऐसे ही कलर आएगा। तो मैंने हाथ पे लेके हल्का सा टेस्ट किया, तो इसमें नमक थोड़ा सा कम है, और मैं जानबूझ के कम डाली थी, क्योंकि मुझे ये ब्लैक सॉल्ट डालना था ना, तो 1 पिंच जितना मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ये काले नमक से भी ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपकी अपनी चॉइस है, अगर डालना है तो डालिए, लेकिन अगर इस तरीके जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ ना, अगर इस तरीके से बनाएंगे, तो बच्चे बड़े सबको ही बेहद ही पसंद आएगा। आप खुद भी पियेंगी तो विश्वास नहीं करेंगी कि आपने खुद से बनाया है, इतना टेस्टी बन के तैयार होगा। तो देखिए, सूप में हमारे उबाल आ चुका है, और ये जितना गाढ़ा है ना, ये बहुत अच्छा है। इसका जो गाढ़ा थिकनेस है, इतने थिक होना चाहिए। और आप देख रहे हैं ना, मैंने इसमें बिल्कुल भी कॉर्नफ्लावर या कोई भी चीज़ नहीं यूज़ किया है, सिर्फ ये टमाटर से बन के तैयार हुआ है। इसमें उबाल आ गया है, 1/2 टीस्पून इसमें बटर मैं और डाल रही हूँ। बटर डालने से हमारे सूप में शाइनिंग बहुत अच्छा आ जाएगा, तो शाइनिंग के लिए मैं ये बटर डाल रही हूँ।
एक टेबल स्पून इसी में मैं घर की मलाई डाल रही हूँ। आप चाहिए तो जो मार्केट में फ्रेश क्रीम आता है ना, आप उसको भी डाल सकते हो। मैंने घर की मलाई यूज़ किया है। इससे भी मेरे इसमें जो सूप बना रही हूँ ना, इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। देखिए सूप में मलाई डालने के बाद भी उबाल आ चुका है। अभी सूप को मैं साइड में रख देती हूँ। सूप में डालने के लिए ना एक ब्रेड को सेक के हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं ब्रेड को सेक लेती हूँ। ये पैन ले लिया, इसमें हल्का सा मैंने बटर डाल दिया है। एक ब्रेड लेके उसमें इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस मैंने काट लिए हैं। इसको इसी पैन में रख के दोनों तरफ से क्रिस्पी क्रिस्पी सा सेक लूंगी। टमाटो सूप बन के तैयार है, मैं सर्व कर लेती हूँ। मैंने घर की मलाई में से इसको मलाई निकाल लिया है। आप चाहिए तो मार्केट का भी ले सकते हो। इस तरीके से डाल देती हूँ। हल्का सा इसी में मैं बटर डाल देती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने जो ब्रेड के टुकड़े सेक लिए हैं ना, इसको ऐसे रख देते हैं साइड में। मैंने ये मिंट लिया है, आप चाहिए धनिया पत्ती से या मिंट से, किसी भी चीज़ से इस तरीके से गार्निश कर दीजिए। लीजिए फ्रेंड्स, मेरा ये टमाटो सूप बन के तैयार है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ना, बड़े बच्चों सबको बेहद ही पसंद आएगा। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।